गए हम लोग, देखो अमजद को बुलाओ, ये फिर देखो वही आ गया। ठीक है आप आ जाए। जाओ हमजद, ठीक है तुम जाओ, मैं कर रहा था वो करके, अच्छा हो गया काम, ठीक है ठीक है, तुम जाओ अल्लाह के बारे कोई मसला तो नहीं है, चलो आओ बेटा। अब किसकी क्लास? ये बी ए सेक्शन दी, हसन बुखारी ने को पढ़ा चुका हूँ मैं दोनों क्लास में, जो मुझे आसानी हुई तीन क्लास में मेरी पुरानी एक नई, नए जो बच्चे उनसे जरा करना पड़ता है। कल से आएंगे सारे लाइन, ये किसका नंबर है? हसन साहब आए नहीं आप लाइन पर, और बेटा बाकियों को भी बुला लो, 6 बजे हैं, 6 बजे, दो दो एक मिनट में लेट हो गया, पिछली क्लास में मैंने 2-3 मिनट लेट छोड़ा, आ जाओ बेटे जल्दी से। और आपके पास वो तो है ना, आईडी तो है ना, आईडी तो दे दिया ना मैंने, आईडी आपने, अच्छा इसको तो नहीं दी होगी, प्लीज फ्लैश इट इन द क्लास अलोंग विद माय जूम आईडी, जूम आईडी में दी हुई होगी, जूम यहाँ से नहीं जाता, जूम जाता है उधर से। तो इसका नंबर क्या है हसन का? 716-4036, याद रखना, अब आ जाओ उसमें, अब यहाँ बताओ कहाँ 716-4036। पहले सेव करना पड़ेगा ना, हैं सेव तो करना पहले, तो यहाँ पे आया होगा, मैंने भेजा होगा ना, नहीं जी आ रहे, उसको सेव करूं पहले, फोन वाले में। हाँ जी, ये कौन सा है, थर्ड का है ना, ये है ना, अभी इसके कहाँ पे सेव होगा, लेकिन यहाँ से फोन में जाए, लिखे सी आर बी एस, बी एस ऑनर्स, यहाँ पे लॉ लिखू, लॉ बी एस ऑनर्स सेम 7E, ठीक, सेक्शन बी, उसका सेक्शन लिखा हुआ है मैंने पहले वाले का, पहले वाले का लिखा हुआ, देख लेते हैं सेक्शन बी, ठीक हो गया। अब इसको हम भेजे हैं, यहाँ लिखा हुआ
अब इसको वो व्हाट्सएप खोल के भेज दो। लिखा है ये वाला देखो ना बोले इसको कॉल हो रही है। कह रहा हूँ कि ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये मैं कल लिखूंगा। अब क्या करें, अब यहाँ से ना वो निकालने किसी को फोटो भेजी होगी आप, मैंने इनको सबके पास मन साहब वाले दे मन साहब नहीं है। तो बेटे किसको दे डालने, यहाँ पे लिखो सी आर कौन सा यही है ये पर की बात है। हाँ जी ये आगे नहीं जा रहा, बस ठीक है ये इसको हो जाएगा ना सॉरी यार। ये तो किसी और को चला गया, किसी और को चला गया ना यार, इसको खत्म करो, इसको डिलीट कर। उसको देखने से पहले डिलीट हो गया ये तुम को सारी कुछ कह रहा। सर ऐसे लॉगिन नहीं हो रहा, अब बताओ हसन को कहाँ से भेजूंगी, मुझे बताओ ना यार। ये भेजा तो होगा उसको हसन को, हाँ तो भी भेजा हुआ। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, सब तो कर रहे हैं। लिंक व्हाट्सएप कर दे, इसका लिंक देखते हैं। ये लिंक ही है ना, ये लिंक ही, ये क्या चीज है, व्हाट इज इट। ये देखें ये भी लिंक है, लेकिन वो कह रहे इस तरह लिख के भेज देना। तो कैसे लिखे भेजें, वो यहाँ से कहीं से इनवाइट से ये देखो ना, मैं इसको दोबारा भेजता हूँ, कॉपी इनवाइट ले इसी लड़के को दोबारा भेजता हूँ। कहाँ ये लड़का दिखाओ, इसको भी जरा साफ करना पड़ेगा इनको, नहीं है यही है। नहीं, लिंक है तो ये एक लिंक का है, हाँ दे दो। मैं आपको भेजा, आप इसको भेजना। इसने क्या किया, इसने नहीं किया फैजान, अच्छा इसको भेज दूँ मैं। ये वाला लिंक तो आप ही भेज दो, ये भेज दूँ फॉरवर्ड या जो भी करना। फॉरवर्ड तो है नहीं, कॉपी है, कॉपी कर ले वहां जाके पेस्ट कर ले। अब क्या कर ले, अब उस वाले बच्चे में ये दिस इज का जुलो का कौन है ये, हां इन द पेस्ट कर दे नोट में ऑनलाइन, ये पेस्ट भेज दे। वही है ये, ऑटोमेटिक देखो ना, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा उसमें। ये किधर गया, किधर गया वो, ये क्या बोला, वो किधर गया, देखो आ गया, आ गया ओप्पो A37, आ गया आ गया आ गया, ये हसन मुखारी, ये आप आ गए हसन जी, देखो हाँ ये इसका भी एक कनेक्टर हो गया। हाँ जी आ गए हैं आप हसन, हेलो जी सर मैं आ गया हूँ, मैं अभी जी सर आ गया हूँ, मैं अभी वो लिंक सेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट्स से। हाँ आप वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेना, ठीक है ना जी सर, वो बना हुआ है। हाँ उस पे आप ये लिंक जो है दूसरी दफा मैंने भेजा, दोनों दफा मिल गया आपको जी सर, दूसरी दफा जो मिला है वही सर चाहिए था। अच्छा वो तो बेटा इसको कर दो, और एक और बात न करना कि जब ये लेक्चर खत्म हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो मुझे। ओके सर, ऐसे खत्म हो इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। आपके तो क्लास में सारे, आपके क्लास में सारे मेल है ना, लड़के हैं ना सारे, जी सर सारे मेल है। हाँ तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आपने टाइम के ऊपर 6 बजे सबको इकट्ठा कर देना,
मैंने एंड टाइम जी, ओके सर, ठीक है ना जी, तो ठीक है आप लोग ओके सर, आप लोग मुझसे पढ़े भी हुए हैं, ये मुझे आसानी है जी सर, वो भी सेक्शन पढ़ा हुआ है, उसकी क्लास मैंने ले ली, आप भी तो इंशाल्लाह सारा चलता रहेगा और हम बड़ी आसानी से इसको मुकम्मल कर देंगे विद योर कोऑपरेशन। क्या आप जी सर, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वाकिफ हूँ, मुझसे वाकिफ है, दिस इज अ प्लस पॉइंट। नए बच्चों से तो वो उनसे फेमिलियराइज होते देर लगती है, तो यू नो मी आई नो यू, अब हमें तजुर्बा भी हो गया, आगे देखे 35 लेक्चर कम से कम 33 लेक्चर हमने डिलीवर किए हैं ऑनलाइन पिछले सेशन में जी सर, और आपने पढ़े हैं यस सर, तो वो एक तजुर्बा आपको भी हो गया, हमें भी हो गया, तो हम लोग इस तरह आपस में यस सर आते जाएंगे तो काम होता जाएगा। अब आपके आपके क्लास में कुल कितने बच्चे बेटा? सर 60 का राउंड अबाउट आया, वो बच्चे छोड़ गए, 58 हो गए सर, 58 है, कोई बात नहीं, तो अब कोशिश ये करें कि ज्यादा ज्यादा लड़के आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फायदा अगर कम लड़के आते हैं, आपको थोड़ा सा पिछले सेमेस्टर में देखे ना, आपको कितना बड़ा ये एडवांटेज है आई शुड से कि आप अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, कहीं नाना नहीं पढ़ रहा, कहीं जाना कोई खतरा नहीं है, नो एक्सपोजर, बाहर निकलते हैं 100 खतरे में, मैं देखना ही मेरे पास है, मैं लगा के बाहर जाता हूँ फिर वहां से आता हूँ, तो दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन इट इज अवर्टेड, यू जस्ट लिसन टू मी, आई लिसन टू यू एंड वी वुड सिंपली यू नो पास आउट द टाइम। अभी हमारे पास कम से कम 4 महीने हैं, यानी हमें 48 लेक्चर yes, पढ़ने हैं। एक और बात है कि जो आपको जो आपका एक्चुअल yes. जो शुरू हुआ है ना ऑफिशियली, आपका ऑफिशियली शुरू हुआ है 5 अक्टूबर से, ये बात नोट करने वाली है, बाकी बच्चे भी इसको जी 5 अक्टूबर से, आप 5 अक्टूबर से आज तक 6 लेक्चर हो चुके हैं आपके जो कि नहीं हुए, यही है ना 5 अक्टूबर 5, 6, 7 3 हो गए, फिर 12, 13, 14 3 हो गए, यही हुआ ना, हफ्ते में 3 होते हैं ना, तो 2 हफ्ते आपके रह गए, इन दोनों हफ्तों के मैं जी सर आप सबके मैं हाजिर लगा दूंगा, आई विल मार्क ऑल ऑफ यू, 6 तो आपके होगी ना हाजिरी, थैंक यू सो मच, आज की भी मैं आपकी सबकी हाजिर लगा दूंगा, कल की भी लगा दूंगा, आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस से फेमिलियर हो जाए, तो तीसरे दिन से फिर जो हाजिर आएगा उसके हाजिर लगेगा, आज भी आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा लेटिट्यूड, कल भी, ताकि सारे इकट्ठे हो जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, वो बेचारे दूर दराज इलाकों में रहते होंगे, उनके पास इंटरनेट नहीं होगा, हो सकता है उनके पास टेलीफोन भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे लोगों को सर मैंने उनको आपने ऑनलाइन जी 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 क्या कर रहे हैं, सॉरी सर, सर मैंने अभी लिंक सेंड किया ना स्टूडेंट्स को, तो दो चार स्टूडेंट्स को आ रहा है कि हमारे पास नेट पैकेज नहीं आया, तो इसलिए हम आज क्लास में ले, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे, दे विल कम टुमारो, हम आस्ता आस्ता अपने आप को फेमिलियराइज कर लेंगे, ताकि फिर बड़ी तादाद इसमें आया करे, इसमें बातें मौजू आपका बड़ा आसान है और दिलचस्प है, मौजू आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ क्या है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कंपैरेटिवली वेयर इज इट प्लेस्ड when we compare it to different constitutions of the world, especially the constitutions of the leading countries, for example USA, United Kingdom, France, India, Bangladesh, China, Russia, इनके जिमन में जब आप इनके साथ थोड़ा बहुत को करेंगे comparison, तो फिर आपको महसूस होगा कि constitution की अहमियत क्या है, हम कहते हैं ना आइन है, क्या होता है इनके आगे कागज का टुकड़ा है या इसके अलावा भी कुछ है, हुकूमतें किसी प्रोग्राम के तहत चलती हैं, जैसे आप कोई बनाते हैं एक क्लब बनाते हैं, आप एक क्लब बनाते हैं शाम का, रिक्रिएशनल क्लब है, वहाँ बच्चे आएंगे बैठेंगे गप लगाएंगे, जिम उसमें लगा देंगे, आप जिम करेंगे,
उसमें आप कुछ कार्ड्स रख देंगे, आप चेस रख देंगे, आप क्रिकेट के अगर ग्राउंड है तो क्रिकेट का मैच कर लेंगे, तो ये सारा आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा उस क्लब का। अब क्या आप उसको हैपजली चलाएंगे बगैर किसी कायदे के कानून के? आप उसके लिए कायदे कानून वजा करेंगे। यू विल डिवाइस ए मैकेनिज्म, ए काइंड ऑफ ए आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन which would reflect the broad outlines of your mission, ke why have you been prompted to, or have you been, you know, excited to, you know, to make it, to launch a club, what are the underlying motives of this adventure or this venture, ke you have launched a club, what for, ye aap usme likhenge apne mission or vision statement mein, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसका होगा, जो सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसके तहत आप उस क्लब का सदर चुनेंगे, उस क्लब की इंतजामिया चुनेंगे, उस क्लब में जो काम करने वाले हैं उनको मुलाजिम रखेंगे, उस क्लब के प्रोग्राम्स का आप डाटा मेनू बनाएंगे, मीटिंग्स करेंगे और वक्तन फोकन देखेंगे कि हाउ फार द क्लब इज फंक्शनिंग सक्सेसफुली एज पर वॉट इज रिटन in its constitution. So Goa constitution will be a guideline for you to run the club and for the members to understand what a club is and how should they behave in a club. This is, we can, you know, extend this definition to the definition of a national constitution. Hum is tarif ko extend kar sakte hain. Kidhar extend kar sakte hain? कौमी जो हमारा आइन है उसकी तरफ ले जा सकते हैं कि कौमी आइन कैसे बना, हमारे कौमी जो आइन है, हमारे मुल्क का जो आइन है उसकी क्या तारीफ है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स आपको पता है क्या होते हैं, उसका शुमाल, जनूब, मगरिब, उसकी तफसीलात, उसकी खसूसियात, ये पैरामीटर्स हैं। वो क्यों बनाया गया, वाय, वो कब बनाया गया, व्हेन, उसका टॉपिक्स क्या है, व्हाट, उसको काम में कैसे लाते हैं, हाउ, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंप्लाइड इन द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द कंडीशन आर द पोजीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विज़ेवी द मैटर्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द स्टेट। द स्टेट और गवर्नमेंट के मामलात में कॉन्स्टिट्यूशन की का क्या मकाम है। हम लोग रोज पढ़ते हैं अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर, बहस मुबहसों में, कानूनी जंगों में, अदालतों में हम क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं कि जी आइन के मुताबिक सब होना चाहिए। अब आजकल नहीं इतना जो कोहराम मचा हुआ है, सब कहते हैं ये कि जी आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट भी कहती है, गवर्नमेंट के मुखालिफिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आइन कोई अहम चीज़ है जिसके बारे में सब में इत्तेफाक राय है कि हमें अपना काम, हुकूमती काम, हुकूमती बिजनेस वो हम चलाएं कॉन्स्टिट्यूशन की तहरीर के मुताबिक, द कंडीशंस एंड द प्रीरिक्विजिट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ द थ्री मेजर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। रियासत के तीन बड़े बड़े उज़ो होते हैं, जैसे हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं। तो रियासत के ऑर्गन्स क्या हैं, आपको पता है, पहला ऑर्गन रियासत का जो है वो एग्जीक्यूटिव है, दूसरा ऑर्गन रियासत का जुडिशरी है, तीसरा ऑर्गन रियासत का लेजिस्लेचर है। अगर आप इसको तरजीहन इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर आप कहें तो सबसे पहले पार्लियामेंट जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, नंबर दो जुडिशरी, नंबर तीन एग्जीक्यूटिव। ये जो इसकी जो वो फहरिस्त है, जो इसकी प्रायोरिटी है, वो तब्दील हो जाती है मौका मैल के मुताबिक। जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इबादत करती है, कस्टोडियन है। अगर हुकूमत उसको मसख करने की कोशिश करे
बिगाड़ने की कोशिश करे, दखलत करने की कोशिश करे, तो जुडिशियरी जो है वो कम्स इनटू प्ले, वो चेक करती है, लेजिस्लेचर बनाती है कवानीन को, एग्जेक्टिव इन अहकामात को तो लेजिस्लेचर जारी करती है, जो जुडिशियरी जारी करती है और उन पॉलिसीज को जो गवर्नमेंट बनाती है उन पर अमल पैरा होना का काम ये एग्जेक्टिव के पास होता है। तो तीन ही हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं स्टेट के, रियासत और गवर्नमेंट में फर्क होता है। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि रियासत इज ए हायर प्रोपोजिशन एंड गवर्नमेंट इज ए लोअर प्रोपोजिशन। रियासत इट इज ए पर्सनिफिकेशन, इट इज ए ज्योग्राफिकल पर्सनिफिकेशन ऑफ ए पीपल्स लिव विल टू लिव टुगेदर। देखिए मैंने एक लाइन में बड़ी तारीफ की है, बड़ी कंसाइज और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ये जोग्राफियाई मैनिफेस्टेशन है रियासत। किस चीज का? कि कुछ लोगों ने आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहने का तहिया किया है, तो जिस मखसूस इलाके में वो रहते हैं विद सम कंडीशंस वो उनकी रियासत। The state in which will they live, जिसके तरफ से कुछ conditions होती हैं अपने बाशिंदों के लिए और बाशिंदों की तरफ से कुछ conditions होती हैं state के ऊपर। It is a two-way process, जैसे आपका दो रोया traffic होता है, एक तरफ से जा रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं, तो रियासत का मामला भी ऐसे ही है कि रियासत हमें हुकूक देती है, रियासत हमारी हिफाजत करती है, रियासत हमारे लिए बंदोबस्त करती है रोजगार का, रियासत हमें दाखिली और खारजी जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे बचाती है, और उसके अवज हमसे क्या मांगती है रियासत? हमसे मांगती है इतबा के हम रियासत को तस्लीम करें, रियासत की कदर करें, रियासत के जो अहकाम हैं उनकी तामील करें। सही अहकाम, जाहिर है कि रियासत अमूमन सही अहकाम ही देती है जिनका ताल्लुक मोरालिटी से होता है, रिलीजन से होता है। तो ये एक किस्म की इक्वेशन बनती है, और ये जो अरेंजमेंट है इसका खाका कहाँ पर होता है कि जी रियासत का फर्ज है कि वह लोगों की जान माल की हिफाजत करें। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रियासत के अफराद या उनके नुमाइंदे मिल बैठकर असेंबली में सोच विचार करके बहस मुबासा करके तैयार करते हैं, ताकि रियासत को जमहूरियत के, इंसाफ के, इखलाक के, मजहब की तरफ से जो पाबंदियां या जो आज़ादियां हासिल हैं उनकी रोशनी में चलाया जाए। रियासत एक ऑर्गन है, बहुत बड़ा ऑर्गन है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, बाज़ रियासतें बहुत छोटी है, वेटिकन सिटी, पोप की अमलदारी है वहां पर, पोप पॉल जो इज ए वेनरेबल लीडर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड इन द रोमन कैथोलिक डोमेन, रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले अहले ईसाई, ईसाइत उनका जो हेड है, रूहानी हेड तमाम दुनिया के रोमन कैथोलिक, वो पोप है, वो इटली में उनका उनका मकाम है, और जो इलाका जिसमें वो रहते हैं जिसमें उनकी रिट है, रिलीजियस रिट, उस इलाके को वेटिकन सिटी कहा जाता है, एक मुकद्दस शहर है उसका, और वेटिकन सिटी में इटली की गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करती, वो एक इंडिपेंडेंट इंतजामी यूनिट है जो ऑटोनमस है, जो अंदरूनी मामला जो है वो खुद पोप, वेनरेबल पोप हैं, ऑनरेबल पोप हैं, उनकी जेर निगरानी मामला चलाए जाते हैं। मैं बताने चाह रहा था कि रियासत का हुजम छोटा भी हो सकता है, वेटिकन ज्यादा 4 मील पर होगी,
पांचवी में पहली रियासत है, लग्जमबर्ग छोटी सी रियासत है, 8-10 मील में ख़त्म हो जाती है, मालदीप जजीरा है 15 मील का रेडियस होगा उसका, है ना, ऐसे ऐसे रियासतें भी हैं। और एक वो भी रियासत है जो सोवियत यूनियन जो अब टूट फूट गई है, अब वो रशिया हो गया, तो सोवियत यूनियन की हदूद जो थी वो आर्कटिक से नॉर्थ से लेकर तो यहाँ लेबनन तक आती थी, पाकिस्तान तक आती थी, बीच में 5-7 मील का फासला था, तो वो भी रियासत है। बरे सगीर अंग्रेजों के निगरानी में, अंग्रेजों की हुक्मरानी में रियासत था, जो बहुत बड़ी रियासत था, इट वॉज ए बिग ह्यूज कोलोसल स्टेट। अब आप जरा सोचो ना, बांग्लादेश हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन तीनों को मिला के एक रियासत थी जिसको इंडिया कहा जाता था। तो रियासत छोटी भी है, रियासत बड़ी भी है, और रियासत की साख्त जो है वो कंपोनेंट्स रियासत के जोग्राफिया, जोग्राफियाई हदूद, उसके बाद आबादी, उसके बाद गवर्नमेंट का एक सिस्टम कि हाउ टू गवर्न दैट पर्टिकुलर रीजन विद सम पॉपुलेशन विद सम जियोग्राफिकल लिमिट्स बाउंड्रीज। फिर यहाँ पे आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बड़े आसान अंदाज से बताया कि जब आप लोग कोई कमेटी बनाते हैं अपनी, आप लोग कोई क्लब बनाते हैं, कोई यूनियन बनाते हैं, तो उसके आप असूल वजह करते हैं, वो असूल तहरीरी हो, चिनाब क्लब है उसके मेंबर हैं, चिनाब क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले किसी ने बनाया होगा, उसके बाद उसमें तरमीमें होती रही हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है। और चिनाब क्लब में जो भी एक्टिविटी होती है इट इज़ गवर्नड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गवर्न ना हो तो फिर उसको क्वेश्चन किया जाता है। मीटिंग्स होती हैं जो हमारे मेंबर्स के नुमाइंदे हैं उनको हम कहते हैं कि जनाब ये बात गलत हो रही है। तो यही हाल रियासत का है कि जब बड़ा स्केल हो जाता है, जैसे पेंटर नहीं होते, पेंटर छोटे स्केल पे भी एक तस्वीर बना लेते हैं और बड़े स्केल पे भी एक तस्वीर बना लेते हैं। जो लोग ड्राइंग जानते हैं उनको ये पता है कि आप उसका चौकोर खाने बनाते हैं, अगर 1 इंच का खाना है 1 इंच से भी आप मोनालिसा की तस्वीर बना सकते हैं जो छोटी बनेगी, और उस 1 इंच को बढ़ा दें 5 इंच कर दें तो 5 इंच से मोनालिसा की तस्वीर और बड़ी हो जाएगी। तो यही मैन बिल्कुल रियासतों का है कि छोटी रियासतें और बड़ी रियासतें, लेकिन एक चीज कदर मुश्तरक है सिवाय, अब देखिए एक और बात देखिए, सिवाय उन जी उन रियासतों के जो एक्सक्यूज मी सर, जी जी हाँ जी कौन है, बोलें बोलें कौन है, हु इज इट जी सर, मैं समुखारी से, हाँ जी बताएं बताएं क्या क्या कह रहे हैं सर, सर स्टूडेंट सर आपको रिक्वेस्ट पे सर स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है जी 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 बताएं बताएं शाबाश क्या इशू आ रहा है जी जी और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लेकिन आप उन्हें अलाउ नहीं कर। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ एग्जिट फुल स्क्रीन नहीं, तो 11 पार्टिसिपेंट हैं जो आ रहे हैं मैं उनको अलाउ करता जा रहा हूँ, उसके तो मैं नाम भी गिना देता हूँ आपको, अरसलान सादिक, हुसनैन, अब्दुल्ला परवेज, मलिक परवेज, लेकिन अगर आप आएंगे आपको फायदा है, आपको फायदा, हमने आपके लेक्चर भी शार्ट कर दें, लेकिन आप आए भी तो सही ना, आप देखें ना जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ आपके ख्याल में मुफीद नहीं है बातें, और मैं सर मुफीद है, मैं आपको मुबादियात बता रहा हूँ, मुबादियात आप समझते हैं फंडामेंटल्स, जब किसी इमारत को तामीर करते हैं तो उसकी जो बुनियाद है उसको मजबूत किया जाता है। मैं आप जो इमारत खड़ी करूंगा इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल
development in Pakistan, constitution of Pakistan, constitutional failures, constitutional successes, constitutional breakdowns, constitutional adjournment, abrogations, constitution को तंसीक किया गया, history of ये सारी मैं बताऊंगा आपको. तो मैं छोटी सी बातों से बड़ी बातों को करता हूँ ताकि आपको समझ आए और आप में दिलचस्पी पैदा हो, क्योंकि ये बातें जो 80% जो बातें हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको मैंने शौरी तौर पर लाशौरी तौर पर मैं उसका हिस्सा रहा. ऐसे पढ़ के, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, छोटा सा था 11-12 साल में, अखबार में पढ़ता था तो मैं मुल्की हालात बड़े गौर से पढ़ता था कि जी अयूब खान साहब आ गए, उन्होंने क्या किया, उनसे पहले जो थे वो क्या करते थे, असम्बली क्यों टिटी, असम्बली बहाल कैसे होगी, फिर लोगों की आज़ादियाँ उनको कैसे सलब किया गया, लॉ एंड ऑर्डर किया, ये सारी बातें. तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्पाइसी बना दूँ आपके लिए. कुछ बातें किताबों में लिखी होती हैं और कुछ बातें आप अपने व्हाट यू कॉल तजर्बे से और आप अपने मुशाहदे से और आप अपने मुताले से कुछ बातों को समझते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच एक इंतहाई दिलचस्प मौजू है, प्रोवाइडेड दैट आप थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी लें. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और भी अहम हो जाता है क्योंकि ये गुजरा है ऐसे 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 बड़े नशेब व फराज में से गुजरा है. ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक दफ़ा बन गया तो अभी तक कायम हो. हिंदुस्तान का तो 1950 में बना था तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कायम है विद सम अमेंडमेंट्स, 30-35-40 अमेंडमेंटें हैं जो कि 1950 से लेकर अब तक उनके हुई हैं, बाकी दे आर स्टिकिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दफ़ा बना 9 साल में, उनका 3 साल में बन गया. ये और ये भी डिस्कस करेंगे कि जल्दी क्यों बन गया उनका, हमारा क्यों लेट बना. फिर वो भी 56 में 56 में वो इम्प्लीमेंट हुआ और जनाब 2.5 साल बाद 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ, 7 अक्टूबर 1958 का ब्रिगेड हो गया, एग्जैक्टली 2.5 years लेटर. तो हाउ कमिट, कैसे हुआ? फिर जनाब दोबारा बनाया गया मार्शला में, पहले मार्शला रेगुलेशंस के तहत चलाया गया 2-3 साल, फिर सन 62 में आफ्टर 4 years ऑलमोस्ट अयूब खान वॉज एबल टू डिवाइस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन जनाब 7 साल चला, वो फौजी कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन था सदारती कॉन्स्टिट्यूशन था. इट वॉज लेटर ऑन एब्रोगेटेड बाई अया खान 1969 में. तो दो कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख हो गए. इट इज अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून फॉर एनी कंट्री हु एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, हु एस्पाउसेस एन आइडियोलॉजी, हु एस्पाउसेस ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज टू द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल. तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो रहा. एंड विद अ ग्रेट डाइवर्सिटी, हमारा जो मुल्क है उसमें एथनिक डिवाइड है, उसमें रेसल डिवाइड है, उसमें सेक्टेरियन डिवाइड है, उसमें जिसको आप कहते हैं ये जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास डिवाइड है, अमीर गरीब ये वो, फिर प्रोविंशियल डिवाइड है. और हमारे अंदर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो हमें मुत्तहिद करता है, वो हमारा मजहब है इस्लाम, जो बहुत अजीम मजहब है, जो हमें यूनाइट रखे हुए है और अल्लाह ताला हमें यूनाइट रखे, मुत्तहिद रखे. अब इसको फंक्शनैलिटी जो इसकी है रियासत की, वो होती है गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट आने जाने वाली चीज होती है, रियासत आने जाने वाली चीज नहीं होती. स्टेट स्टेज, स्टेट स्टेज, गवर्नमेंट चेंज. आज ट्रंप है, उससे पहले ओबामा थे, ओबामा से पहले बुश थे, बुश से पहले रीगन थे, रीगन से पहले फिर बुश. ये पूरी एक हायरार्की है
उसमें निक्सन भी थे, जॉनसन भी थे, आइजनहावर थे, ट्रूमैन, देखिए ना कैसे कैसे नाम है। तो डाउन द लैडर अब ट्रंप है, अब इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। जो 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 वो जो कहते हैं बेंचमार्क जो है ना, बॉटम लाइन, वो ये है कि गवर्नमेंट्स मे कम एंड गो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेज। अब इससे ये हुआ कि स्ट्रेंथ जो होती है गवर्नमेंट की, इट इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गौर करें आप कॉन्स्टिट्यूशन लायर बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंटरप्रेट करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर करेंगे, अदालत जो हमारी अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, आप उसकी तैयारी करेंगे, आप उन पिटिशन को गौर से पढ़ेंगे, आप उसमें से कानूनी नुकात निकालेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को गौर से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो मुवक्किल है वो क्या चाहता है। बाज़ोकात आपका मुवक्किल ये चाहेगा कि मेरे बुनियादी हकूक डिस्टर्ब हुए और मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट टू गो फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिट। आप समझे, आपने वो रिट दायर करनी है, आपने बताना है फाजिल जज साहब को या जज साहबान को कि हाउ वुड योर रिट बी एडमिसिबल अंडर द लॉ, कि कैसे वो एडमिट करेंगे। जब आप रिट दाखिल करते हैं ना, हमने हाई कोर्ट में जाया करें, कभी देखा करें, तो वो पहले आप वकील साहब जो होते हैं वो उस पर आर्ग्यू करते हैं मुख्तसर कि जी दी कॉजेज दी ग्राउंड्स, कि जी इन ग्राउंड्स पर मैंने ये अपील पिटिशन दायर की है एंड आई एम सीकिंग योर लॉर्डशिप्स एक्सप्रेस इंटरवेंशन इनटू द मैटर बिकॉज इट बेयर्स अपॉन माय इंडिपेंडेंट माय फंडामेंटल राइट्स एंड आई थिंक केव दिस ऑनरेबल कोर्ट रेफरेंस फ्रॉम doing it, my rights will be immensely disturbed, jeopardized. इसलिए अदालत से, फाजिल अदालत से इस्तदा है कि मेरी रिट को मंजूर किया। वो पूछेंगे कैसे बताओ, आप कहेंगे जी आर्टिकल 199 expressly mentions, क्या कहता है कि अगर किसी फर्द के बुनियादी हकूक पर हमला होता है, मजरूह होते हैं, उनसे उसको महरूम किया जाता है फोर्सिबली, तो ही कैन इनवोक द ज्यूरिसडिक्शन, द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हायर कोर्ट्स दैट इंक्लूड द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, द हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज द एपेक्स कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट को, आपने पढ़ा होगा, एपेक्स कोर्ट कहते हैं वकीलों की जुबान में या वकालत के जुबान में, कानून के जुबान में सुप्रीम कोर्ट दी इज द एपेक्स कोर्ट ऑल द वर्ल्ड ओवर, सबसे बड़ी अदालत। एपेक्स का मतलब है सबसे ज्यादा, उज़्मा इसीलिए कहते हैं, अजीम से आला बरतर, आला से ऊपर अजीम। तो जब आप ये, आपने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, कोई कॉज नहीं है, मुझे उन्होंने सुना भी नहीं है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्री कंडीशन, if you try to you know deprive somebody of his source of living, source of earning, you have to have a very solid ground to take this decision, to implement this decision. aapne usse puchna hai, us bande se puchna hai ki aapke khilaf ye charges hain, aap bataye ki kyun aapke khilaf hum action le, fir jawab dega, fir sawal jawab shuru ho jayega, फिर उसको लीगल जो उसके हकूक है वो सारे पूरे करेगा, ओनली देन विल यू बी एबल टू आइदर ओमिट योर इंटेंशन टू डिसलॉज हिम फ्रॉम सर्विस, और यू विल हैव टू टेक ए स्टर्न एक्शन कि जिससे भाई नहीं किया इसने। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का की अहमियत, और कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रोसेंट का मतलब है कि वो एक मुअक्कर, काबिल तौकीर, काबिल एहतराम
काबिले इज्जत दस्तावेज है। देखो ना, इफ द पीपल स्टार्ट टेकिंग लिबर्टी विद द कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर तो खेल बन जाएगा। हमारे यहाँ बना रहा खेल, एक आया उसने निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन, तोड़ दिया, दूसरा आया उसने तोड़ दिया, तीसरे ने बनाया वो भी चले गए, उसके बाद उसको मुअत्तल कर दिया गया, मुअत्तल करने के बाद उसको तरमीम कर दी गई, फिर जब अवामी हुकूमत आई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तरमीम को ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी तरमीमें कर ली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज़ नॉट ए टॉय टू बी प्लेड विद, इट इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट टू बी टॉयड विद, इट इज़ अ सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट। सैक्रोसैंक्ट एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, आप लोग अपने साथ अपनी कापियाँ भी रखा करें, पेंसिल भी रखा करें, जो टर्मिनोलॉजी है वो इसकी काफ़ी टेढ़ी है, तो वो अगर नए नए लफ्ज आप में आ जाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अब सैक्रोसैंक्ट इज़ ए लीगल वर्ड एंड विच इज़ कॉमनली यूज इन द लीगल जार्गन, जो कानूनी जो डिक्शनरी है और कानूनी इस्तेलाहत है उसमें सेक्रेशन का मतलब होता है कि वो उसको सैंक्टिटी हासिल है टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट इट हैज इट एंजॉयज सैंक्टिटी, और वो सैंक्टिटी जो है इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रीच्ड टू बी मोर प्रिसाइज, एंड इफ इट इज ब्रीच्ड it will be at a very high cost, the consequences will be very disastrous if somebody tries to play with the constitution. abhi aapne dekha nahi tha ki unhone ek mukadma banaya Pervez Musharraf ke khilaf ki unhone constitution ko galat taur par mansoob kiya ya toy with kiya, to us par fazil adalat ne उन्हें सजा दी थी, और वो सजा कैपिटल पनिशमेंट थी, विच शोज द ग्रेविटी ऑफ द मैटर इन द आईज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सामने मैटर ये नहीं था कि किसने ये किया, कोर्ट के सामने मैटर ये था कि क्यों किया गया, और फिर जिसने किया है वो भुगत है। ये कोर्ट कल मत में नजर होगा, हम तो कंजेक्चर ही कर सकते हैं ना, फाजिल अदालत के तो फैसला है, उनका फैसला है, you cannot question it, it can be questioned only in a court of law, in a higher court. to hum batour talib ilm ke keh sakte hain ki unke dimag mein fazil jaisa saab ka hi hoga, ho sakta hai ki bhai ye bada ek serious offense hai, to log to dilli dali karenge constitution ke sath, to kyun na hum ek misal set kar dein ki constitution ko todna ek itna hi serious hai jitna ki kisi ko qatl karna, and it will entail serious consequences, that is why they awarded the maximum punishment. ye tha yani isse constitution ke haq mein ye baat ja rahi hai ki constitution ek sacrosanct document, we are concerned about the sanctity of the constitution on the theoretical level, and on the practical level its applicability to the functioning of the state through its governmental setup. The governments come and go in the modern democratic setup, in the modern governmental setup. A government is a kind of a institution which is comprised of a bunch of human beings that we call ministers, and their leader who is called the prime minister in a democracy. So us government ko chalane ke liye aapne constitution ka sahara lena padta hai. Mian sahab, main karda tha, main class le raha, main huni tonu phone karda huni, to wo jo hukumat hai उसका काम है एक गिवन पैरामीटर्स के मुताबिक दस्तावेज में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मुकद्दस मुतबरक दस्तावेज में लिखा हुआ है, इट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज द विल ऑफ द पीपल व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
through their representatives who sit in the parliament and who consider ways and means to protect the life, the property, the freedom of their people. This is the ultimate, the first and the last objective of Constitution. Life is sacred. So is property. आपकी जो property है, अगर ये लिखा ना हो Constitution में कि sacred नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है, तो आप रह लेंगे इस दुनिया में, आपको तो जीना बवाल हो जाएगा, आपको लूट लेंगे, मार देंगे, कहेंगे ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपका जो अपना घर है वो कहेंगे आपका घर नहीं है, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जी आपका घर आपका है, यू आर लेजिटिमेट टाइटल होल्डर ऑफ योर प्रॉपर्टी, तो इफ योर प्रॉपर्टी इज फुली डॉक्यूमेंटेड देन नोबडी कैन पॉसिबली स्नैच इट अवे फ्रॉम यू, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गोया एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हुकूमत का निजाम चलाया जाता है, जिसका खाका मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसकी एकसाम भी है। दुनिया में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा ही हुआ नहीं है और हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो भाई लिखा हुआ ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गया, ये मैं आपको समझाऊंगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत मुख्तसर है, आप बिलीव करेंगे कि 18-19 सफे में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, बस ये खत्म होने वाला आपकी क्लास, कल बताऊंगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई होप टुमारो द नंबर विल इंक्रीज और कल इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।